हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवी क्लासेस में। मेरा नाम है अमन वर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए। उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक समझाया गया है। क्लास 12 की क्लासेस चल रही हैं। आगे और भी मैं 10+2 के लिए जो भी कोर्सेज आप कर सकते हो उससे रिलेटेड कोर्सेज की क्लासेस भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल क्लास 12 के लिए देखिए। देखिए, हम एनपीओ के बारे में बात कर रहे थे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट। पहले बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता क्या है, आपको बताया था ये एक कैश अकाउंट की तरह होता है, तो इसी चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, टू बैलेंस बीडी। ये जो टू बैलेंस बीडी होता है ये ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का। क्या? कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। एक बात समझिए, ओपनिंग बैलेंस आएगा कहां से? लास्ट ईयर से। कहां से? लास्ट ईयर से। यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, कैश या बैंक दोनों ही हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, तो वो हमारा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का कैश या बैंक का बैलेंस है। इस बात का ध्यान रखना। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्यों बोल रहा हूं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग है, कैश या बैंक का जो भी क्लोजिंग आएगा वो करंट ईयर की बैलेंस शीट का है, यानी कि इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाएगा, ठीक। बात आती है रिसिप्ट में क्या आएगा भैया, जो पैसा आया है कहीं से भी आया, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं देखना। पैसा आया है, टू में लिख दीजिए, बात खत्म। अगर आपकी पॉकेट से पैसा गया है, पे किया है, तो बाय में लिख दीजिए, बात खत्म। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा बैलेंस फिगर में। अगर क्लोजिंग दिया, ओपनिंग नहीं दिया, तो ओपनिंग निकलेगा। दोनों दिए तो इक्वल आ जाएगा, अकाउंट आपका कंप्लीट। इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपने। अब बात आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पीएनएल बताया था लास्ट क्लास में, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट वाली चीजें नहीं चलती हैं यहां पर, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर नाम से ही पता चल रहा है, जितना भी खर्चा है वो सब टू साइड में आएगा। पीएनएल में भी तो ऐसे ही किया करते थे, बाय साइड रिवेन्यू, जितना भी इनकम अर्न किया है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब बाय में आ जाएगा, ठीक है। बात आती है अगर रिवेन्यू ज्यादा, एक्सपेंस कम है, तो जो बैलेंस निकलेगा उसको वहां पर नेट प्रॉफिट बोलते थे, यहां पर हम बोलेंगे सरप्लस। अगर एक्सपेंस ज्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो क्या बोला जाएगा? डेफिशिट। वहां नेट लॉस बोलते थे, यहां पर डेफिशिट बोलेंगे। ये कुछ नहीं है, चीजें सब वही चलती हैं, बस कपड़े चेंज कर दिए, इंसान वही, सब वही चल रही है चीजें, कुछ फर्क नहीं है। ध्यान रखना इस चीज के लिए, सरप्लस या डेफिशिट दोनों में से एक चीज आएगी, ठीक है। बात आती है बैलेंस शीट। अरे 11th क्लास में बहुत की होगी, बहुत अच्छी तरीके से। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी आती है और एसेट साइड में एसेट्स आती है, बैलेंस इक्वल और आपका क्वेश्चन मैच, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करा लें, तो उसके लिए आपको पता है पैसा आया, टू में गया, बाई में। बट अगर आपसे मेंटेन की करवाया जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, जो कि ज्यादा कराया ही जाएगा, तो उसके लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दी रहेंगी, जिस तरीके से फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता था, ठीक है। एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी यहां पर पहले इन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो रिसिप्ट साइड होती है उसमें आपका रिवेन्यू मिलेगा, लाइबिलिटी मिलेगा, यानी कि अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाई में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में डेटा डालना है, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की टू साइड को देखना है। किसे देखना है? टू साइड को। अगर आपको एक्सपेंडिचर और एसेट्स में डेटा डालना है, तो आपको देखना होगा पेमेंट साइड को। यहां से आपको आपके एक्सपेंसेस और एसेट्स मिल जाएंगी और उनको उनकी जगह पर पहुंचा देना है। तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी है कि आप अगर रिसिप्ट साइड देखोगे तो उसका डेटा दो जगह पर जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय साइड में और लाइबिलिटी साइड में। अगर आप पेमेंट साइड का डेटा देखते हो तो दो जगह जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू साइड में और एसेट साइड में।
और कहीं पर भी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है बिल्कुल भी, जितना बोला गया है उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज आज 1 अप्रैल को मैंने फर्स्ट लेक्चर किया, आज 2 अप्रैल है, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करके इस इन चीजों को फ्लो में लेकर के चलेंगे, तो कहीं जाकर के नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा, आफ्टर डेट रिवीजन करना है, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि किस तरीके से मार्किंग की जाती है, आपने क्वेश्चन कर दिया कुछ मिस्टेक हो गई अब पूरा मार्क्स जाएगा या कुछ मिलेगा, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस चैप्टर में भी बताऊंगा कि क्वेश्चन आया है, कितना अटेम्प्ट किया है तो कितना मार्क्स मिल सकता है, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहिए, क्योंकि आप घर में रहोगे तो आप भी सेफ रहोगे और आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी और आपके नेबर भी सेफ रहेंगे, तो इसलिए घर पे रहिए और सभी को सेफ रखिए। थैंक यू वेरी मच।